हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ वो है एडीएस का कॉम्पैक्ट। इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये मुझे 279 रुपीज़ का फ़्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो गया था। लेकिन आप प्राइस चेक कर लीजिए, क्योंकि प्राइस क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। कभी कभी ऑफ़र में तो और भी ज़्यादा चीप प्राइस पे मिल जाता है। बट मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मेरा इस प्रोडक्ट को लेकर के एक्सपीरियंस की 279 रुपीज़ के हिसाब से मुझे ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा है, क्योंकि इसमें मुझे 5 कॉम्पैक्ट्स मिले हैं, ठीक है। 5 कॉम्पैक्ट मुझे इसमें अवेलेबल हुए हैं, तो इस हिसाब से और जो पैकेजिंग वगैरह, मतलब ओवरऑल कंप्लीट मुझे सेटिस्फेक्शन है 279 रुपीज़ में इसे परचेज़ करके। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और इसका रिव्यू देती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसको अपने आसपास के कॉस्मेटिक स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है एडीएस का एलोवेरा कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैंने ऑर्डर किया है। ये इसकी पैकेजिंग है, ग्रीन कलर की पैकेजिंग है जो मुझे अवेलेबल हुई है यहाँ पे। और इसको देख सकते हैं, पैकेजिंग इज़ लाइक ओके, लाइक नॉर्मल, लाइक अच्छी, मैं बेकार नहीं कहूँगी पैकेजिंग। पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि कई मेकअप प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग मुझे इतनी खास नहीं लगती, लेकिन इसकी मुझे ठीक लगी है। और यहाँ पर आप साइड में पिक देख सकते हैं, बिल्कुल सेम जैसा ये पिक दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही अवेलेबल हुआ है ये। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर इसका वेट वगैरह लिया दिखा रहा है कि कितना वेट है। और इस साइड पे यहाँ पे लिखा है ये स्पॉट्स को कवर करता है, एक्ने मार्क्स को भी कवर करता है। तो ओवरऑल इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे काफ़ी ठीक लगी है। और ये यहाँ पे मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ इसको अंदर से कैसा है ये प्रोडक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्रोडक्ट मिला है, कितनी अच्छी पैकेजिंग है, कितना अच्छा ये बॉक्स है जो अवेलेबल हुआ है। और बहुत ही ग्रीनरी सा फील हो रहा है, बहुत ही नेचुरल सा फील हो रहा है इसमें, जिस तरह से एलोवेरा की पिक्स बनी हुई हैं। और मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ यहाँ पर आपको, तो इस तरीके का है। मैंने इसको जैसे ही ओपन किया है वो लाइक, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, इतने लाइट एंड इतने ब्राइट कलर्स इसमें मुझे मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के कलर्स। और जैसे हर कॉम्पैक्ट में मिरर होता है, तो यहाँ पर आपको एक मिरर भी मिलेगा। और यहाँ पर ये 5-in-1 कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर 5 कलर के कॉम्पैक्ट हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ी सी मीडियम स्किन के लिए है, और ये थोड़ा सा गोल्डन येलो कलर का है, यानी वीटेस स्किन के लिए। और ये भी मीडियम स्किन के लिए, लाइक नॉर्मल मीडियम स्किन के लिए। ये फेयर स्किन के लिए कलर है। और प्लस यहाँ पर एक मुझे थोड़ा सा शाइनिंग के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट मिला है, इसको लगाने से फेस में शाइन आ जाती है। और फेयर और मीडियम दोनों ही स्किन कलर के लोग इसे लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्पंज मिला है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा थोड़ा सा लेकर के दिखा देती हूँ इसके कलर। बहुत ज़्यादा डार्क स्किन के कलर के लिए नहीं है ये, लेकिन मेरी स्किन भी क्योंकि मीडियम है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, व्हाइटिश से भी कम है मेरी स्किन, तो उस हिसाब से, लेकिन मैं मेरी स्किन पे ये बिल्कुल अच्छा लगता है, मुझे ठीक लगता है, तो मुझे ये सही लग रहा है सारे कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे लगा करके, ये दोनों कॉम्पैक्ट में कितना डिफरेंस है। थोड़ा ही थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर के लिए नहीं है, मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए है ये। बट हाँ, क्योंकि मेरा मीडियम कलर है, मीडियम से थोड़ा सा कम ही है, तो मेरे स्किन पे भी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एकदम फेयर स्किन के लिए, तो इसका कलर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का कलर आ जाता है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शाइनिंग वाला दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जो है वाइट लुक नहीं देता है। और यहाँ पर मैं लगा के दिखाती हूँ, यहाँ शाइनिंग थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही है, बट जब आप रियल में आप इसको लगाएंगे तो आपके फेस में दिखाई देगा। यहाँ मे भी शायद कैमरे की लाइट्स की वजह से जो है शाइनिंग नहीं दिख रही है उतनी अच्छे से।
तो ये पांचों मैंने आपको लगा करके दिखा दिए हैं। सारे कलर बहुत ब्राइट, बहुत लाइट हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं और मुझे 279 बहुत अच्छा लगा है। ये बिल्कुल फेयर स्किन का इंसान यूज़ कर सकता है, इसको मीडियम स्किन का जो है पर्सन यूज़ कर सकता है। ये गोल्डन येलो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि स्पॉट्स वगैरह बहुत अच्छे से कवर करता है, तो मैं सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ करती हूँ और ये भी मीडियम स्किन के लिए है। ठीक, और गोल्डन येलो वाला मुझे लगता है आई थिंक सभी कलर के स्किन टोन के लोग लगा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा, क्योंकि आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी स्किन जो है ऑयलनेस ना रहे, बल्कि इसलिए भी कि हल्की सी थोड़ी सी एक क्लियर लुक आ जाए, तो गोल्डन येलो तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इसकी पैकेजिंग ओवरऑल बहुत अच्छी है, अगर आप एक मीडियम साइज़ का क्लच या फिर बैग लेते हैं तो उसमें आपका ईजिली ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये आराम से आ जाएगा और आप इसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग लास्टिंग के लिए इसमें लिखा है कि 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग है ये, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है तो मेरे में ये 24 आवर्स तो नहीं चलता, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी कि काफ़ी देर तक चल जाता है। तो ऑयली स्किन है मेरी, फिर भी मेरी स्किन में तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है टिका रहता है और ओवरऑल मुझे ये ठीक लगा। इसके प्राइस के अकॉर्डिंग जितने मुझे इसमें शेड्स मिले हैं और जिस तरीके का मुझे इसमें लुक मिलता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। मेकअप करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छा क्लियर ग्लोइंग लुक आता है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको किसी मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको मीशो हॉल या फ्लिपकार्ट हॉल में से जो भी देखना हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव करूं, तो अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूं, आपके काम की वीडियोस लेकर के आती रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं वीडियोज़ बना सकूँ और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू।